वो इम्तिहान कुछ कम नहीं था जो नमरूद ने लिया था। कितना जबरदस्त आतश कदा, ये भी यहां सुनकर बड़ी हैरत होती है। मीलों का रकबा, ऐलान हो गया लकड़ियां लाला के डालो, सभी लाला के लकड़ियां डाल गए, एक आदमी को चलाने के लिए इतना बड़ा आतश कदा, एक माचिस से काम चल सकता, एक बोतल परोसिए एक माचिस से काम चल सकता, इतना ऐलान। इससे उसके दिल में जो हज़रत इब्राहिम की हैबत थी उसका पता चलता, इसका पता चलता। अब उसके बाद जब जला दिया और शोले उठने लगे तो अब जलाने वालों की भी हिम्मत नहीं कि करीब जाए, जला तो दिया अब फेंके कैसे, ये मसला था। अब करीब जाने की हिम्मत नहीं तो एक आला होता है पत्थर के फेंकने वाला जिसको मिंजनीर कहते हैं, उसमें रखकर फेंकने की तजवीज पास की गई। आप देखें यहां पर एक लतीफे की बात और याद आ गई। एक छोटी सी चिड़िया, क्या भी साथ है उसकी, वो किसी नहर किसी तालाब से अपने चोंच में पानी देती, कितना पानी आएगा, और लेके उड़ती और इतना उड़ती कि जो आग की आंच है उस तक न पहुंचे, और फिर वहां से पानी का कतरा गिराती, वहां से गिरा रही तो पानी का कतरा तो ऊपर ही उड़ गया होता, वो तो नीचे भी ना पाएगा। नियत उसकी क्या थी, आग बुझ जाए, आग के बुझाने के लिए उसकी जो विसात थी उसके मुताबिक परवास करती हुई गिराती, क्या उससे आग बुझ जाएगी, नहीं बुझती। ऐसे ही एक जानवर जो रंग बहुत बदलता है, जानवर रंग बदलता है, उसको हमारे यहां गिरगिट कहते हैं, बहुत ज्यादा रंग बदलता है, और उसको इतने खतरे नजर आते हैं कि हर तरफ उसका चेहरा हिलते ही रहता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता। वो फूंक मारता, वो फूंक मारता और इतनी दूर से फूंक मारता कि उसे भी आंच ना लगे, बसना तो उसे भी, तो क्या उसकी फूंक वहां जाएगी, क्या उस फूंक से कुछ आग बढ़ेगी, नहीं। यकीन जानो कि उस परिंदे के चोंच के कतरे से आग कुछ कम नहीं हो सकती, मगर उसकी मोहब्बत का पता चलता है, उस छोटे से परिंदे की मोहब्बत का पता चलता है, और ऐसे ही इसके फूंकने से कुछ नहीं होता मगर इसकी अदावत का पता चलता है, इसकी अदावत का। तो कुछ लोग फूंकने के आदि हैं दूर से, वो फूंक करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ अपनी अदावत का इजहार कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, ठहरो, तो मैं यही कह रहा हूं कि उस जानवर के फूंक से कुछ नहीं होता, उसकी अदावत का पता चलता है, और उस चुड़िए के चोंच के कतरे से कुछ नहीं होता मगर उसकी मोहब्बत का पता चलता है। तो यकीन जानो, ऐ सारी दुनिया के दुरूद भेजने वालों, तुम्हारे दुरूद भेजने से नबी का मुकाम नहीं बुलंद होता, नबी के दर्जे नहीं बुलंद होते, तुम्हारा दुरूद भेजने से तुम्हारी मोहब्बत का पता चलता है, तुम्हारी मोहब्बत का पता चलता है। इसीलिए दुरूद का, तुम्हारे दुरूद का फायदा तुम्ही को, एक दुरूद भेजो दस रहमत तुम्हें मिलती, तो फायदा तो तुम्हारा हुआ ना, फायदा तो तुम्हारे दुरूद का फायदा तुम्ही को, ये तुम्हारी मोहब्बत का सिला है, तुमने एक दुरूद भेजा और उसके बाद ये मोहब्बत का इजहार हो गया, खुदा ने अपनी रहमतों
खुद की बारिश तुम्हारे ऊपर कर दी। अच्छा मैं अब दिखा रहा हूं, बात तो चल रही थी हजरत इब्राहिम की, फेंकने वाला मुश्तरी हो बेचैन, नमरू अपने तख्त पर बेचैन, अपने ऐवान में फिक्रमंद, अपने मुसाहिबीन के बीच में लड़क रहा, कांप रहा। और हजरत इब्राहिम आपकी तरफ जा रहे हैं मगर मुतमईन, आपकी तरफ जा रहे हैं, मंजनी से फेंक दिए गए। और बहुत नाजुक वक्त था कि हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह का है तुम या इब्राहिम, इब्राहिम कुछ जरूरत है का तुमसे कुछ भी नहीं, आपसे कुछ नहीं। अच्छा खुदा से कोई जरूरत है? खुदा से कोई जरूरत? हाँ उससे है, मगर कहने की जरूरत नहीं, वो देख रहा है, उससे तो है मगर कहने की जरूरत नहीं। तो जिससे कहना हो उसकी जरूरत नहीं, और जिससे कहने जिसकी जरूरत है उससे कहने की जरूरत नहीं। आप देखें बेखतर कूद पड़ा आकाश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, कुदरत तो ये दिखा रही थी। और वो ये नमरूद क्या समझे कि हस्ते इब्राहिम की शान क्या है, इसलिए कि हस्ते इब्राहिम के पुश्ते मुबारक में नूरे मुहम्मदी जलवागर है, पेशानी नूरे मुहम्मदी से जलवागर है। और वाकई नूर ने दिखा दिया, नूर को न जलाया जा सकता है न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है न काटा जा सकता है। जब नूर पेशानी इब्राहिम ने था तो आतश कदे में जाकर के आतश कदे को ठंडा कर दिया, और वही नूर जब पेशानी हजरत इस्माइल में आ गया, छुरी चलती रही नहीं कटा, छुरी चलती रही नहीं कटा, न नूर को काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा फी मुअत्तर बिन तसल्ली अलैह। जरा सा देखो तो नूर मुस्तफा देख रहा था ना कि मेरे जद से ये क्या कह रहे हैं। हजरत इब्राहिम की पेशानी में नूर मोहम्मदी और हजरत जिब्रील बहसियत खादिम आकर के पूछ रहे हैं। तो सुना था ना, नूर मुस्तफा ने सुना था, मौका मिल गया उस नूर को भी बात करने का। मेराज की रात, मेराज की रात उस नूर को भी बात करने का मौका मिला। जब सिदरा पर से जुदाई शुरू हुई तो बाप कहा, अल्लाह का हाजत या जिब्राइल, जिब्रील तुम्हें कोई जरूरत है? मगर हजरत जिब्रील ये नहीं बोले कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, वरना उनको भी वो जवाब याद रहा होगा जो हजरत इब्राहिम ने दिया था। सुभान अल्लाह, वो जवाब उनको याद रहा होगा मगर वो जवाब दिया नहीं, नहीं कहा कि हमें जरूरत नहीं है रसूल आपकी, हमें जरूरत नहीं है। और वहां हजरत इब्राहिम ने क्या कहा, हे जिब्राइल हमें तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। पता ये चला कि मलक नबी का मुहताज होता है, नबी मलक का मुहताज नहीं होता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक रास्ता देखा। अच्छा हजरत जिब्रील ने भी ख्वाहिश अजीब जाहिर की, क्या जाहिर की ख्वाहिश कि अपने रब से एक बात की इजाजत ले लीजिए, इजाजत ले लीजिए कि जब आपकी उम्मत पुल सरास से गुजरे तो मुझे पर बिछाने की इजाजत मिल जाए, मुझे पर बिछाने। देखिए हजरत जिब्रील ने बहुत ही होशियारी का सवाल किया, होशियारी का सवाल किया, इसलिए को जानते हैं कि उम्मत को बहुत चाहते हैं, और जब हम उम्मत की खैरख्वाही करेंगे, उम्मत के ताल्लुक से कुछ कहेंगे तो इनकी तवज्जो हमारी तरफ होगी, इनकी मोहब्बत का हम बरकस हो जाएंगे। आप देखें गौर करें, हजरत इब्राहिम आतश कदे में पहुंचे और वो गुलकदा हो गया, उनके लिए वो ठंडी हो गई,